तो मूवी की शुरुआत में एक खूबसूरत नदी को दिखाते हैं जिसके किनारे पर एक बाप और बेटा आराम से फिशिंग करते हैं। नदी के बीच से एक औरत उनको देख रही होती है और उसके फेस को देखकर ऐसा लगता है कि उसके अंदर अनगिनत सवाल भरे पड़े हैं। वो चुपचाप उन दोनों की ओर बढ़ती है और यहाँ पर मूवी का टाइटल द हुड मेकर डालकर होती है मूवी शुरू। कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि माइंड रीडर्स को शहर से बाहर निकालो, वो हमारी इजाजत के बिना हमारे माइंड को रीड करते हैं जो कि बहुत बुरी बात है। ये सभी नारे लगाते हैं कि डोंट स्टील आवर माइंड्स। और दोस्तों ये प्रोटेस्ट भी दंगा फसाद में बदल सकता है, इसलिए यहाँ पर पुलिस फोर्स भी मौजूद होती है। यहाँ में ऑनर नाम की एक औरत को दिखाते हैं जो खुद एक माइंड रीडर है और उसके पास भी टेलीपैथिक पावर है। उसकी आंख पर ना एक अजीब सा निशान बना होता है, वो हर प्रोटेस्टर्स का माइंड रीड करने लग जाती है। वो बताती है कि वो बुजुर्ग आदमी है ना, वो एकदम साधु इंसान है। उसके पीछे जो लड़का खड़ा है वो सिर्फ अपने दोस्त के कहने पर प्रोटेस्ट कर रहा है, वो खुद प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, उसे हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। और ये दाढ़ी वाला ये तो ये भी नहीं जानता कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, पर हाँ वो बहुत गुस्से में है। लेकिन उसके पीछे वो औरत दिख रही है ना, वो बहुत खतरनाक है, उस पर ध्यान रखना। और वो ग्रीन ड्रेस वाला आदमी वो जान चुका है कि मैं उसका माइंड रीड कर रही हूँ। इस तरह वो हर एक का माइंड रीड करके पुलिस को बता देती है। तब वहाँ पर डिटेक्टिव रॉस आता है जिसने ऑनर को प्रोटेस्टर्स का माइंड रीड करने का काम दिया है, क्योंकि उसे शक है कि इन प्रोटेस्टर्स के बीच ऐसे भी लोग हैं जो दंगा फसाद करने के इरादे से आए हुए हैं। उन लोगों को ढूंढ निकालना ही ऑनर का टास्क है। अब ये बात प्रोटेस्टर्स में फैल जाती है और वो पुलिस को घेर लेते हैं कि पुलिस खुद ही माइंड रीडर्स को यूज करके हमारा माइंड रीड कर रही है जो कि इलीगल है। फिर ऑनर हर तरफ आंखें फेरती है और भीड़ में सबके माइंड को रीड करने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने हुड मास्क नाम का एक स्पेशल टाइप का मास्क पहना होता है। ऑनर जल्दी से उसका माइंड रीड करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वो उसको एक फायर बॉम्ब फेंक देता है और इस तरह एक नॉर्मल प्रोटेस्ट अब दंगा बन चुका है। रॉस तुरंत मास्क वाले के पीछे भाग जाता है। तभी उसका हेड नीचे गिर जाता है, लेकिन वो किसी तरह मास्क वाले के पास पहुंच ही जाता है और उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसका मास्क उतारता है। फिर उसे आराम से अरेस्ट भी कर लिया जाता है। इसी बीच ऑनर रॉस को उसका टोपी लौटा देती है जो रास्ते में गिर गया था। फिर रॉस पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ उसकी चीफ कहती है हमें किसी भी तरह इन दंगों को फैलने से रोकना होगा। वैसे देखा जाए तो इस प्रॉब्लम में दोनों पक्षों की गलती है, ये माइंड रीडर्स भी कुछ कम नहीं है। सड़क पर आ जाते हैं, लोगों का माइंड रीड करने लग जाते हैं, तो जाहिर है भाई लोग प्रोटेस्ट तो करेंगे ही, लेकिन शांति से इसका सोल्यूशन निकालने के बजाय ये लोग अब दंगे पर उतर आए हैं जो कि सही नहीं है। और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप इन लोगों को उकसा रहा है। तब रॉस बताता है कि उस ग्रुप के एक आदमी को मैंने पकड़ तो लिया है और उसने ये अजीब सा मास्क पहना हुआ था, देखिए। इसी बीच ऑनर आती है और उसको देखकर पुलिस वाले बिल्कुल चौंक जाते हैं, वो उसे अंदर नहीं आने देते। पर वो रॉस का दिया हुआ परमिशन लेटर दिखाती है, तब जाकर उसे अंदर अलाउ किया जाता है। वो खुद को वैसे बहुत कंट्रोल करती है कि वो किसी भी पुलिस वाले का माइंड रीड ना करे, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आते और उसे शक की नजरों से देखते हैं। अगर पुलिस वाले माइंड रीडर्स को दुश्मन समझते हैं तो आम लोगों की तो पूछो ही मत, ये सब सोचते हुए ऑनर वहाँ बैठ जाती है। तब एक डिटेक्टिव पानी लेने जाता है तो ऑनर उसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से देखती है, लेकिन वो भड़क जाता है कि मुझे देखकर मेरा माइंड रीड करने की कोशिश मत करो, समझी। ऑनर भी कहती है देखो मुझे पुलिस वालों का माइंड रीड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका माइंड रीड नहीं करूंगी। लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सभी को डर है कि ये उनके माइंड में झांक सकती है, उनकी प्राइवेट से प्राइवेट थॉट्स को जान सकती है। अब वो देखती है कि रॉस और उसकी चीफ कुछ डिस्कस कर रहे हैं। वो चाहती तो अपने पावर्स को यूज करके उनकी बातें जान सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। फिर रॉस बाहर आकर ओनर से कहता है कि चलो पार्टनर काम शुरू करने का टाइम आ गया है। अब ये सुनकर ओनर बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि एक रॉस ही है जो उसे एक ह्यूमन समझता है, बाकी लोग तो उसको बस माइंड रीडर्स या क्रिमिनल की तरह देखते हैं। दोनों उस टेररिस्ट से मिलने जाते हैं जिसे रॉस ने पकड़ा था। रॉस उससे पूछता है कि तुम्हारा टेररिस्ट ग्रुप आम लोगों को माइंड रीडर्स के खिलाफ क्यों भड़का रहा है, साफ साफ बता दो, और तुम्हारा लीडर है कौन। पर वो उल्टा रॉस को चिढ़ाता है कि अगर तुम्हें काबिलियत है तो खुद पता लगा के दिखाओ। फिर रॉस पूछता है कि इस हुड मास्क का क्या मतलब है, क्यों पहनते हो तुम लोग ये सब कुछ। वो भी कहता है इसे पहन के तो देखो एक बार आप, तो समझ जाओगे इसका मतलब। तुम चाहे कुछ भी कर लो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। लेकिन जब रॉस ऑनर को अंदर बुलाता है ना तो उसे देखते हुए आदमी डर कर अपना मुंह मोड़ लेता है कि कहीं ये मेरा माइंड रीड न कर ले और सब कुछ पता न लगा ले। लेकिन ऑनर उसके सामने बैठकर उसका माइंड रीड करने लग जाती है। असल में हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के जरिए ही सब कुछ होता है दोस्तों, और उन्हीं सिग्नल्स को ऑनर रीड करके पता लगा पाती है कि कौन क्या सोच रहा है वगैरह वगैरह। अब ऑनर उस टेररिस्ट का नाम, उसके पेरेंट्स का नाम, बचपन से लेकर उसकी लाइफ में हुई घटनाएं सब कुछ बताने लग जाती है। टेररिस्ट को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ऑनर तो ये भी जान जाती है कि वो किस टेररिस्ट ग्रुप के लिए बिलोंग करता है और फिलहाल वो कहां पर है। अब रॉस ऑनर से कहता है कि जब तुम उसका माइंड रीड कर रही हो तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम उसे टॉर्चर कर रही हो। खैर जो भी है, इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मिल गई। बाकी पुलिस वाले रॉस और ऑनर को अजीब तरह से देख रहे होते हैं। ऑनर पूछती है कहीं मेरी वजह से तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। पुलिस वाले तो मुझे शक की नजरों से देखते ही हैं, कहीं तुम्हें भी ना देखने लग जाए आपसे। रॉस भी कहते हैं तुम उनके बारे में मत सोचो, बस काम पर ध्यान दो पार्टनर। दोनों पुलिस फोर्स के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो टेररिस्ट गैंग है।
वो बहुत बड़ी बिल्डिंग में होती है। ऑनर उन टेररिस्ट के माइंड सिग्नल्स को पहचान कर बता देती है कि कौन कहां पर है। उसके आधार पर पुलिस वाले उस गैंग को पकड़ भी लेते हैं। ऑनर फिर सभी का माइंड रीड करके बता देती है कि ये लोग क्या चीज छुपा रहे हैं। वो चीज एक लेटर होता है जिसे हुड मेकर नाम के किसी ने भेजा है। उसमें लिखा है कि मैंने जो भिजवाया था वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। अब ये किस चीज की बात हो रही है इसके बारे में कोई नहीं जानता। तब ओनर को नीचे से कोई आवाज आती है और वो नीचे जाती है। वहाँ पर हुड मास्क वाला एक आदमी होता है। तभी रॉस आकर कहता है कि जल्दी से उसका माइंड रीड करके बताओ कि उसके पास कोई वेपन है या फिर नहीं। ऑनर बड़ी कोशिश करती है लेकिन वो मास्क वाले का माइंड रीड ही नहीं कर पाती। वो आदमी इनको अटैक करने आता है लेकिन तभी रॉस उसे शूट कर देता है और ओनर से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, माइंड रीड क्यों नहीं कर पाई उसका। ओनर बताती है मैं कोशिश कर रही थी, पता नहीं शायद उसकी मास्क की वजह से मैं उसका माइंड रीड नहीं कर पाई। फिर ओनर अपने घर पर आती है। दरअसल दोस्तों ये घर नहीं जेल जैसी एक जगह होती है। दरअसल माइंड रीडर्स नॉर्मल लोगों की तरह घरों में नहीं रहते बल्कि इन्हें अलग अलग जगहों पर रखा जाता है। फोन जैसे साधन न होने की वजह से इन्हें कुछ पावरफुल लोग कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये लोग माइंड रीडिंग और टेलीपैथी के जरिए किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों फ्रैंकलिन नाम का एक सरकारी ऑफिसर यहाँ पर आता है और मैरी नाम की माइंड रीडर को अकेले में ले जाकर अपने मन की बातें उसे रीड करने को कहता है और उसी के जरिए उन बातों को वो किसी दूसरे को कम्युनिकेट करवाता है। जब माइंड रीडर्स ऐसा करते हैं तो वो उस इंसान के इमोशंस को फील कर पाते हैं जिससे उनको बहुत तकलीफ भी होती है। इसलिए वैसे वो ये काम करने से कतराते हैं लेकिन फिर भी फ्रैंकलिन जैसे पावरफुल लोग उनसे जबरदस्ती ये काम करवाते हैं। बेचारी मैरी इसका माइंड बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है और वो रोने लग जाती है। यही नहीं दोस्तों क्रिमिनल्स का पता लगाने के लिए सरकार भी इनको जबरदस्ती आम लोगों का माइंड रीड करने पे मजबूर करती रहती है लेकिन आम लोग ये नहीं जानते कि ये किसी के दबाव में आकर ये सब कुछ कर रहे हैं। वो बेवजह माइंड रीडर्स पे भड़क उठते हैं जबकि उनको असल में सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो माइंड रीडर्स से ये सब कुछ करवा रही है। फ्रैंकलिन वहां से निकलता है तो उसकी कार में हुड मेकर का एक बॉक्स होता है जिसमें एक हुड मास्क होता है। इसे पहनने से फ्रैंकलिन का कोई भी माइंड रीड नहीं कर पाएगा। यहाँ माइंड रीडर्स की जगह को दिखाते हैं। फ्रैंकलिन का माइंड रीड करके मैरी बहुत परेशान हो जाती है और नींद में बड़बड़ाने लग जाती है और क्योंकि ये माइंड रीडर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इस वजह से दूसरे माइंड रीडर्स भी बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी ओनर झट से उठकर मैरी को शांत करने की कोशिश करती है लेकिन मैरी कहती है मेरे पास मत आओ, तुम भी गद्दार निकले, तुम भी अब सरकार के लिए काम करने लगी हो। कट करके अगली सुबह रॉस को दिखाते हैं जो ओनर की जगह पर पहुंच जाता है। ओनर कहती है तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है। रॉस कहता है अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे ऑफिस आ सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, हम दोनों पार्टनर है यार, ये लो ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। तब ओनर देखती है कि किसी ने रॉस की कार को डैमेज करके रखा हुआ है। दरअसल दोस्तों यहाँ के सारे माइंड रीडर्स को सरकारी आदमियों से सख्त नफरत है क्योंकि वो जोरों जबरदस्ती करते रहते हैं उनके साथ और माइंड रीडर्स से वो काम करवाते हैं जो माइंड रीडर्स करना ही नहीं चाहते। इसलिए किसी ने रॉस की गाड़ी को डैमेज कर दिया है क्योंकि एक तरफ से वो भी सरकार का आदमी है। रॉस भी समझ जाता है कि माइंड रीडर्स का गुस्सा भी जायज ही है यार। फिर दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर रॉस अपनी टीम को उस हुड मास्क के बारे में बताता है। इसे किसी वैक्स्ड फाइबर मटेरियल से बनाया गया है जो ब्रेन के सिग्नल्स को बाहर ट्रांसमिट होने से पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। इसी वजह से माइंड रीडर्स उन लोगों का माइंड रीड नहीं कर पाते जो ये मास्क पहन के रखते हैं। अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो न सिर्फ सभी इसे खरीदना शुरू करेंगे बल्कि बड़े से बड़ा क्रिमिनल इसका इस्तेमाल करने लग जाएगा और फिर माइंड रीडर्स की मदद से कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा। वो आगे जोर देकर कहता है कि हमें आज ही पता लगाना होगा कि इस मास्क को कौन बनाता है। एक ऑफिसर कहता है कि इस काम को पूरा करने में तो एक महीना लग जाएगा, एक दिन में कैसे पता चलेगा कि कौन बना रहा है। रॉस भी उसको डांट देता है कि यार तुम पुलिस वाले होकर ऐसी बात करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। तब ओनर कहती है एक मिनट रुकिए, मैं एक दिन के अंदर उस हुड मेकर का पता लगा सकती हूँ अगर आप बस परमिशन दे दो। रॉस मान जाता है। 5 मिनट के अंदर ओनर कुछ लोगों का माइंड रीड करके रॉस को बता देती है कि वैक्स फाइबर मटेरियल आमतौर पर मार्केट में अवेलेबल होता ही नहीं, ये सिर्फ कुछ फैक्ट्रीज में यूज होता है, खासकर उन फैक्ट्रीज में जहाँ पर हाई क्वालिटी के कपड़े बनते हैं या फिर वहाँ पर जहाँ पुराने तरीके से बुक्स को बाइंड किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर तो कोई बाइंडिंग फैक्ट्रीज है नहीं, इसका मतलब हमें क्लोदिंग फैक्ट्रीज को टारगेट करना चाहिए। इस शहर में 8 फैक्ट्रीज है, हमें उन सबकी तलाशी लेनी होगी, तब जाकर हम हुड मेकर का पता लगा पाएंगे। बाकी ऑफिसर्स तो एकदम हैरान हो जाते हैं कि यार ये बड़ी मस्त चीज है माइंड रीडिंग। अब वो ऑफिसर जिसने एक महीना मांगा था इस काम के लिए, रॉस उससे कहता है कि देखा कितनी फास्ट है मेरी पार्टनर, चलो अब उन फैक्ट्रीज पर रेड करते हैं। रॉस की पूरी टीम इस काम पर लग जाती है। दूसरी ओर हुड मेकर कई जगहों पर अपने हुड मास्क पहुंचाता है। रॉस और ओनर सभी फैक्ट्रीज की तलाशी लेते हैं लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। रॉस पूछता है कि तुम इतने सारे लोगों के माइंड रीड करती हो, मतलब हमेशा तुम्हारे कानों में दूसरों के माइंड की वॉइसेस गूंजती होंगी राइट। ओनर कहती है हाँ, लगातार उन आवाजों को सुनकर हम माइंड रीडर्स को मतलब ऐसी समस्या आ जाती है कि हम पागल भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात कहूँ, इस वक्त मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। रॉस पूछता है ऐसा क्यों। ओनर बताती है वो इसीलिए एजेंट रॉस कि मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो बहुत अलग फील करती हूँ, एकदम शांत और खुश हो जाती हूँ मैं। अब रोज भी सोच में पड़ जाता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा हमारे बीच। अचानक ओनर चिल्लाने लग जाती है कि मुझे बचाओ। दरअसल फ्रैंकलिन मैरी को टॉर्चर कर रहा है दोस्तों दूसरी तरफ, जिसकी वजह से वो चिल्ला रही होती है कि मुझे बचाओ। और क्योंकि माइंड रीडर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पर ओनर को भी उसका दर्द फील होता है और वो वही शब्द दोहराती है। रॉस भी इस बात को समझ जाता है और तुरंत मैरी को बचाने के लिए वो निकल जाते हैं। वहाँ फ्रैंकलिन हुड मास्क पहनकर मैरी की गर्दन पर गन दबाए हुए बैठा होता है।
वो उसे टॉर्चर कर रहा होता है कि अब मेरा माइंड रीड करके दिखाओ, दिखाओ ना, दिखाओ जरा वरना गोली मार दूंगा। रॉस भी उसको डराता है कि गन फेंक दो वरना बहुत बुरा होगा। वो चिल्लाता है कि इस मास्क को पहनने से माइंड रीडर्स का काम चौपट हो जाएगा, मैं ये बात सभी को बताने जा रहा हूँ। ये कहकर वो मैरी को तो छोड़ देता है और गन भी फेंक देता है। अब रॉस फ्रैंकलिन को अकेले में जाकर कहता है कि इतने बड़े सरकारी ऑफिसर होके ये क्या कर रहे हैं। फ्रैंकलिन कहता है कि तुम इनकी सूरत पर मत जाना, ये माइंड रीडर्स बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ पर बैठकर ये लोग माइंड रीडिंग के द्वारा जान लेते हैं कि देश का प्रधानमंत्री क्या सोच रहा है। ये लोग चाहे तो देश के कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को दुश्मन के हवाले बेच भी सकते हैं। और मैंने सुना है कि तुम किसी माइंड रीडर के साथ पूरा घूम रहे हो, मेरी बात मानो, उससे बच के रहो। इसी बीच ओनर फ्रैंकलिन का हुड मास्क खुद पहन लेती है और तब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह फील करने लग जाती है क्योंकि वो किसी का भी माइंड रीड नहीं कर सकती। अब रॉस और ओनर पुलिस के पुराने टेप्स प्ले करके देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर कटर नाम के एक साइंटिस्ट ने वैक्स फाइबर मटेरियल पर रिसर्च किया था और उसे माइंड रीडर्स पर टेस्ट भी किया था। यहाँ तक कि बच्चों पर भी इस मास्क को टेस्ट किया गया था और टेस्ट के नाम पर बेचारों को बहुत टॉर्चर भी किया गया। ये सब देखकर ओनर बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी ओर फ्रैंकलिन मैरी का पीछा करता है और कहता है, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। मैरी भी बैठ जाती है लेकिन वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देती है। वो फ्रैंकलिन के सर पर हाथ रखकर उसके माइंड को बहुत टॉर्चर करती है। सिर्फ मैरी ही नहीं बल्कि सारे माइंड रीडर्स फ्रैंकलिन के माइंड पर हमला कर देते हैं। इससे फ्रैंकलिन मरता तो नहीं बल्कि उसका माइंड बहुत कमजोर हो जाता है, यानी उसका दिमाग एक बच्चे के दिमाग जैसा हो जाता है। अब ये जानकर रॉस परेशान हो जाता है और ओनर से कहता है कि मुझे तो इसमें मैरी का हाथ लगता है, जरूर उसने फ्रैंकलिन से बदला लेने के लिए ये किया होगा। वैसे तुम तो मैरी के साथ माइंड से कनेक्टेड रहती हो ना, जरा पता लगाओ कि वो कहां पर है। ओनर भी मैरी से कनेक्ट करके मन ही मन पूछती है, क्या फ्रैंकलिन को तुमने टॉर्चर किया। मैरी कहती है, जब तक हम इनके जुल्म सहते रहेंगे तब तक ये लोग हमें दबाते रहेंगे, हमें मिलकर इनसे बदला लेना होगा। हाँ, वो मैंने किया, वो सिर्फ एक शुरुआत थी। दोस्तों ओनर उसकी बात तो सुन लेती है लेकिन रॉस से झूठ बोलती है कि मैं मैरी से कनेक्ट नहीं कर पाई, पता नहीं वो कहां पर है। रॉस कहता है, देखो ओनर मजाक मत करो, यहाँ के सारे माइंड रीडर्स ने पुलिस वालों पर हमला करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी माइंड रीडर्स को अरेस्ट करना पड़ेगा और तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगी, तुम घर वापस मत जाना, तुम्हें खतरा है। ओनर कहती है, मैं कहां जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। अब ये सुनकर रॉस दुखी हो जाता है, ओनर को अपने घर लेकर जाता है। वो फिर वो खिड़की से बाहर देखकर रियलाइज करता है कि जिस दंगे को वो रोकना चाहता था वो शुरू भी हो चुका है। आम लोगों और माइंड रीडर्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। ओनर भी बड़े दुख के साथ कहती है, ये लोग क्यों नहीं समझते कि माइंड रीडर्स भी इंसान है, हम लोग जरा म्यूटेट हो गए, इसमें हमारी क्या गलती है बताओ, वो लोग हमें खत्म क्यों कर देना चाहते हैं, इसमें मतलब हमारी क्या गलती है। बातों ही बातों में वो एक फोटो को देखती है जिसमें रॉस बचपन में अपने पिता के साथ एक नदी पर फिशिंग कर रहा होता है। ओनर कहती है, इस फोटो में तुम बहुत खुश लग रहे हो। रॉस कहते हैं, हाँ, जब पापा थे तो मैं बहुत खुश था, हम दोनों रोज उस नदी में फिशिंग करते थे और जानती हो वो माइंड रीडर से भरे हुए कमरे में भी आराम से बैठे रह सकते थे क्योंकि वो बिल्कुल ओपन माइंडेड इंसान थे, उन्हें दूसरों से कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इसलिए उन्हें माइंड रीडर्स बहुत ही पसंद थे और पापा के साथ मैं भी बहुत खुश और बहुत सेफ फील करता था। इस पर ओनर कहती है कि जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ ना तो बस मैं भी वैसा ही कुछ अच्छा और बड़ा सेफ फील करती हूँ। लगता है रॉस को भी ओनर से प्यार होने लग गया। उस रात रॉस सो रहा होता है और तभी ओनर रॉस का माइंड रीड करने लग जाती है। हालांकि माइंड रीडर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन क्या करें, वो तो बस रॉस के बारे में जानने के लिए ऐसा करने लग जाती है। उस वक्त रॉस अपने पापा के बारे में सोच रहा होता है तो ओनर को भी वही दिखाई देता है, लेकिन फिर रॉस बड़बड़ाने लग जाता है तो ओनर माइंड रीड करना बंद कर देती है और वहां रखे फाइल्स को पढ़ने लग जाती है। इतने में रॉस उठकर पूछता है, ये क्या कर रही हो। ओनर भी मजाक में कहती है कि तुम्हारे लिए कोई नौकरी ढूंढ रही हूँ क्योंकि तुम एक माइंड रीडर से प्यार जो करने लगे हो, तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ना इसमें। हाँ, रॉस भी हंसकर कहता है, ठीक है, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढना मेरे लिए। ओनर कहती है, तुम्हें पता है मैंने नए घर का लोकेशन भी सिलेक्ट कर लिया है, उस नदी किनारे पर घर बनाएंगे जहाँ तुम अपने पापा के साथ फिशिंग करते थे। मजाक मजाक में ओनर एक फाइल देखकर बताती है कि हमने जिन फैक्ट्रीज की तलाशी ली थी उनके अलावा भी एक फैक्ट्री है जो 13 साल पहले बंद कर दी गई थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हुड मेकर उसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो। ये सुनकर रॉस भी हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हें तो सच में यार पुलिस डिपार्टमेंट होना चाहिए था। रॉस उस फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। ओनर भी तैयार होती है लेकिन रॉस कहता है, इस वक्त तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, लोग माइंड रीडर्स को मारने पे तुले हुए हैं, इसलिए काम करो तुम यहीं पर सेफ रहो, मैं जाकर उस हुड मेकर का पता लगाता हूँ, कहकर वो निकल जाता है। लेकिन ओनर कहाँ, वो चुपके चुपके उसका पीछा करती है। तब टेलीपैथी के जरिए मैरी ओनर को कॉन्टेक्ट करके कहती है कि किसी भी सरकारी आदमी पर विश्वास मत करो, वो सारे धोखेबाज है, हमें किसी भी तरह हुड मेकर का खात्मा करना होगा वरना ये सभी लोग मिलकर हम माइंड रीडर्स का नामो निशान मिटा देंगे। यहाँ रॉस को दिखाते हैं तो उस फैक्ट्री के अंदर वो चला जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर कटर अपने काम में लगा होता है। असल में दोस्तों यहीं पर हुड मास्क बनाया जा रहा है। रॉस पूछता है कि आप ये सब कुछ कर क्यों रहे। डॉक्टर कटर बताता है कि इससे पहले मैं अपने माइंड में कुछ सोचूं उन माइंड रीडर्स को पता चल जाता है। बताओ, हर इंसान के लिए उसकी प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है लेकिन इन माइंड रीडर्स ने प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा के रख दी है, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं, इसलिए मैंने ये सारे मास्क बनाए ताकि लोगों को उनकी प्राइवेसी वापस मिल पाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। रॉस कहता है, समझ तो गया हूँ लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इतने में दोस्तों ऑनर वहाँ पर पहुँच जाती है और इनकी बातें सुनने लग जाती है। डॉक्टर कटर कहता है कि एजेंट रॉस, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे पास एक पावरफुल हथियार जो है उसके जरिए तुम माइंड रीडर से बच जाओगे, पर मेरे
जैसे दूसरे लोगों का क्या, हमें तो हुड मास्क की सख्त जरूरत है ना। तभी ओनर अंदर आ जाती है। वो रोज से पूछती है, एक बात बताओ, किस पावरफुल हथियार की बात हो रही है यहाँ पर? ऐसा कौन सा हथियार है तुम्हारे पास? डॉक्टर कटार तुरंत जाकर हेड मास्क पहन लेता है और ओनर से कहता है कि तुम खुद ही रोज का माइंड रीड करके पता लगाओ कि वो कौन सा हथियार है। इस पर ओनर रोज का माइंड रीड करना शुरू करती है। उसे फिर वही फिशिंग वाला दृश्य दिखता है, लेकिन उसके अलावा वो रोज के माइंड में और कुछ देख ही नहीं पाती। रोज ने तो जबकि हुड मास्क भी नहीं पहना हुआ है, फिर ओनर उसका माइंड क्यों नहीं रीड कर पा रही है समझ में नहीं आ रहा है। ये सोचकर ओनर तो चौंकी जाती है, लेकिन हमें भी चौंकना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे हो गया? और तब डॉक्टर कटर बताते हैं कि यही रॉस का स्पेशल हथियार है, यही उसकी पावर है। वो तुम जैसे माइंड रीडर से अपने माइंड के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकता है। तभी तो वो बेझिझक तुम्हें अपने साथ हर जगह लेकर घूमता है। उसे पता है कि तुम चाहकर भी उसका माइंड रीड नहीं कर सकती। ओनर को भी शॉक पे शॉक लगता है, लेकिन तभी मैरी दूसरे माइंड रीडर्स के साथ वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि वह सभी ओनर के साथ कनेक्टेड है। रॉस डॉक्टर कटर से कहता है कि अगर माइंड रीडर्स ने आपको देख लिया तो वो मार डालेंगे आपको, आप पीछे के दरवाजे से बच निकल जाइए। लेकिन डॉक्टर कटर कहता है, मुझसे ज्यादा तो तुम्हारा बचना जरूरी है, जल्दी यहाँ से निकल जाओ, माइंड रीडर्स को मैं रोक सकता हूँ। रॉस भी जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ओनर उस दरवाजे से निकलकर उसे लॉक कर देती है। मैरी और बाकी माइंड रीडर्स जान चुके होते हैं कि हुड मास्क यहीं पर बनाया जा रहा है और उसे डॉक्टर कटर नहीं बनाया है। वो सब मिलकर डॉक्टर कटर के सर पर हाथ रख देते हैं और अपने पावर से उसके माइंड को बिल्कुल बेकाबू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाता है। फिर वो उस पूरी जगह को जला देते हैं। आग तेजी से फैलने लग जाती है और जल्दी रोज पे चल जाएगा दोस्तों। वो दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस तरफ ओनर दरवाजे को लॉक करके खड़ी होती है। रॉस दरवाजा खोलने की विनती करता है, लेकिन ओनर कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, अगर तुम मुझे धोखा नहीं देना चाहते तो मुझे अपना माइंड रीड करने दो, मुझे ब्लॉक मत करो। तुम्हारे माइंड में जो होगा उसके आधार पर मैं डिसाइड करूंगी कि यह दरवाजा खुलेगा या फिर नहीं। और कोई रास्ता न पाकर रॉस ओनर को अपना माइंड रीड करने देता है, लेकिन कहता है, आई एम सॉरी। फिर ओनर रॉस का माइंड रीड करने लग जाती है, जहां रॉस अपने पिता के साथ फिशिंग कर रहा होता है और ओनर नदी के बीच खड़ी उनको देखती है। ये तो मूवी की शुरुआत वाला सीन है। और जब ओनर आगे बढ़ती है, यानी रॉस के माइंड की गहराई में जाने की कोशिश करती है, तो वो नहीं जा पाती और नदी का स्तर ऊपर उठने लग जाता है। मतलब रॉस अब भी उसे माइंड रीड करने से रोक रहा है। वो बहुत विनती करती है कि प्लीज मुझे आगे बढ़ने दो। अब रॉस भी उसे ब्लॉक नहीं करता और ओनर रॉस के माइंड के अंदर झांकती है। दरअसल जब रॉस के बुलाने पर ओनर पहली बार पुलिस स्टेशन आई थी, तो उसने रॉस और उसके चीफ को बात करते हुए देखा था। उस वक्त ओनर ने रॉस का माइंड रीड करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब वो रॉस के माइंड में जाकर जान पाती है कि असल में रॉस और चीफ के बीच क्या बातें हुई। दरअसल चीफ और रॉस ने ये प्लान बनाया था कि अगर हम ओनर को अपने डिपार्टमेंट में ले लें तो हमें खबर मिलती रहेंगी कि बाकी माइंड रीडर्स क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं। इन सबके माइंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड जो हैं, इस तरह हम सारे माइंड रीडर्स को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। यही वजह थी कि रॉस ने ओनर को केस इन्वेस्टिगेशन में अपना पार्टनर बनाया। मतलब रॉस ने ओनर के साथ जो अच्छा बर्ताव किया, जो प्यार किया, वो सब झूठ था। दरअसल रॉस और उसका डिपार्टमेंट माइंड रीडर्स को कंट्रोल करने के लिए ओनर का इस्तेमाल कर रहा था। ये जानकर ओनर पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। रॉस कहता है कि शुरू में मैंने भी तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो और दरवाजा खोल दो। ओनर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती कि वो दरवाजा खोले या फिर नहीं। बाहर हर तरफ लड़ाई और दंगे चल रहे होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट भी होने लग जाते हैं, लेकिन ओनर वो रॉस को बचाया या फिर नहीं, इस बात को ये अधूरा छोड़ देते हैं यार, और मूवी खत्म हो जाती है। बाकी इसे कह सकते हैं ओपन एंडेड मूवी है। मुझे तो लगता है कि ओनर ने रॉस को माफ करके उसको बचाने के लिए दरवाजा खोल दिया होगा। आपको क्या लगता है? क्योंकि रॉस ने उसको धोखा भी दिया। तो आप अपनी सेंस से बता दीजिए कमेंट्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में।